ने इस सपने को सजाया ही नहीं बल्कि सजोया भी है। मम्मी जैसी केयर करती है संजू मैडम कि मेरे उम्र की जितनी बेटियां हैं वो सब सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। नमस्कार, सैनिक स्कूल सक्सेस स्टोरी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ आज लाडली बेटी उत्तराखंड की आकृति मौजूद है। साथियों कहते हैं जिंदगी खेल भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसी के साथ आज बेटी आकृति ने सैनिक स्कूल कालीकिरी में फाइनल रूप से चयनित हो चुकी है। इसके लिए बेटी को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। मैं बेटी आकृति से जानना चाहूँगा कि वह अपने शब्दों में अपने खुद का परिचय दें एवं अपने ड्रीम के बारे में बताएं। मेरा नाम आकृति है। मेरे पापा का नाम अनिल सिंह चौधरी है। मेरी मम्मी का नाम ज्योति देवी है। मेरे पापा आर्मी मैन है। मेरी मम्मी होम मेकर है। मेरा ड्रीम आर्मी ऑफिसर बनना है। बेटी का सपना है आर्मी ऑफिसर बनना और बेटी ने इस सपने को सजाया ही नहीं बल्कि सजोया भी है और कर दिखाया है कि आज बेटी सैनिक स्कूल कालीकिरी के लिए फाइनल रूप से चयनित हो चुकी है। इसके लिए माता पिताओं का भी मैं एक बार इस वीडियो के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी बेटी के लिए हमारे इस इंस्टीट्यूट को काबिल समझा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए योग्य समझा और अपने नौनिहाल जिगर के टुकड़े को हमें सौंपा और इस संस्थान की फैकल्टी टीम, मैनेजमेंट टीम, केयर टेकर टीम ने मिलकर इस बेटी को आज सैनिक स्कूल कालीकिरी के दरवाजे तक पहुंचाया है। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं अब चाहूँगा कि आकृति अपने हॉस्टल्स के बारे में आपको बताएगी कि यहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो बेटी ने महज 6 महीनों में देखा है, परखा है और जाना है। यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं लगती, मतलब यहाँ पे घर जैसा माहौल रहता है जी। हमारी केयर टेकर मैम का नाम संजू मैम है। वो हमारी अच्छे से केयर करती है, मतलब मदर जैसे केयर करती है। हमारी मम्मी जैसी केयर करती है संजू मैडम, मीन्स मैडम का भी बहुत अच्छा प्रकोप है क्योंकि जिन बेटियों का मैंने इस स्टूडियो में वीडियो शूट किया है उन सभी बेटियों की जुबान से एक ही नाम निकलता है कि हमारी बेहतरीन केयर टेकर संजू मैम जिन्होंने हमें घर जैसा माहौल दिया, मदर जैसी हमारी केयर की। उस मैम का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा इस स्टूडियो के माध्यम से कि मैम इस प्रकार से संस्थान के बच्चों की केयर करें, अपने बच्चों में डेडिकेशन रखें, बच्चों को कोऑपरेट करें और अपने फ्यूचर के साथ संस्थान की बालिकाओं के फ्यूचर को भी सिक्योर रहें। बेटी आकृति उस जगह से बिलोंग करती है जो कोट द्वार के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब मीन्स उत्तराखंड के दो ही द्वार हैं, एक हरिद्वार है और दूसरा कोट द्वार है जिसे बेटी दूसरे द्वार कोट द्वार से आती है। मैं अगला क्वेश्चन आकृति से करना चाहूँगा कि बेटी उत्तराखंड के बारे में क्या जानती है, आप एक वीडियो के माध्यम से व्यूवर्स को बताएं। वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, वो चार धाम यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। पहाड़ी एरिया है, चार धाम यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। मेरा अगला क्वेश्चन आकृति से रहेगा कि आकृति अपने एज की जो बेटियां हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेगी इस वीडियो के माध्यम से। मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे एज की सारी लड़कियां हैं वो भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कीजिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत बढ़िया, बेटी ने बहुत शानदार बात कही है कि मेरे उम्र की जितनी बेटियां हैं वो सब सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।
शिक्षा सब जगह मिलती है, लेकिन संस्कार के साथ शिक्षा मिलती है, उसे ही शिक्षा कहा जाएगा। बेटी ने बहुत शानदार बात कोट की है कि माता पिता का नाम रोशन करें, क्योंकि बेटी ने सैनिक स्कूल काली गिरी का दरवाजा खटखटाकर फाइनल रूप से माता पिता का नाम रोशन किया है, संस्थान का नाम रोशन किया है। और मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि बेटी अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखेगी और एक दिन भारतीय सेना में अधिकारी पद पर रहकर देश का मान और सम्मान बढ़ाएगी। माता और पिता एवं अपने इस इंस्टीट्यूट का मान और सम्मान और गौरव बढ़ाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय मंगलम।